वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू यमआर केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है फॉर्मल चार्ज। ये क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के ऊपर लगने वाले एक्चुअल चार्ज को फॉर्मल चार्ज कहते हैं। ये फॉर्मल चार्ज क्यों आता है? फॉर्मल चार्ज होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से। एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। हो सकता है कि एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो, उसकी वजह से दूसरे एटम पे कोई चार्ज आ गया हो, तो क्या लिख सकते हैं इसमें? द एक्चुअल चार्ज प्रेजेंट एन एटम इन ए मॉलिक्यूल। एक्चुअल चार्ज प्रेजेंट इन ऑन एन एटम इन ए मॉलिक्यूल। इसकी वजह से क्या होता है? मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स के ऊपर कभी कभी हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। क्या लिख सकते हैं? ड्यू टू फॉर्मल चार्ज एटम्स इन ए मॉलिक्यूल हैविंग शॉर्टेज का मतलब कमी हो जाती है, शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स on an atom in a molecule is termed as formal charge। क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन के बढ़ने या घटने से एटम्स के ऊपर जो चार्ज आएगा उसको क्या कहेंगे? फॉर्मल चार्ज। चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। Examples of formal charge। फॉर्मल चार्ज निकालेंगे कैसे उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मल चार्ज निकालने का फॉर्मूला। फॉर्मल चार्ज बराबर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम। जिस एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालेंगे उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? लोन पेयर। इसमें से माइनस करेंगे आधी संख्या से क्या? टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम यानी कि बॉन्ड पेयर। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन एन एटम, उसमें से माइनस करेंगे टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर, उसमें से क्या माइनस करेंगे? आधी संख्या के टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑन एन एटम यानी कि बॉन्ड पेयर। चलिए इस फॉर्मूले का यूज करके निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। O3 का एग्जाम्पल लेंगे यानी कि ओजोन। इसका स्ट्रक्चर यहां बना देते हैं, इसका स्ट्रक्चर यहीं पे बना देते हैं। यहां पे एक लोन पेयर, यहां पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहां पे 2 लोन पेयर, यहां पे 1 लोन पेयर, यहां पे 3 लोन पेयर। चलिए इसको मानते हैं ऑक्सीजन नंबर 1, इसको मानते हैं ऑक्सीजन नंबर 2, इसको मानते हैं ऑक्सीजन नंबर 3। चलिए हम निकालेंगे
फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज को हम शॉर्ट में एफ सी लिखते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर वन। क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिक्स माइनस, उसमें से घटाना है टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर कितने हैं? दो है। उसके बाद यहां देखिए टोटल नंबर ऑफ, इसमें से क्या घटाना है? टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यानी कि बॉन्ड पेयर, उसमें से आधी संख्या को घटाना है। कितना है बॉन्ड पेयर? एक दो तीन चार, यानी कि चार इलेक्ट्रॉन है। कितना आ गया? फोर, यहां पे चार होगा, सॉरी यहां पे चार होगा। टोटल लोन पेयर कितना होगा? यहां पे लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन देखना है, लोन पेयर नहीं देखना है। चार माइनस टू माइनस यहां पे कितना हो गया? टू यानी कि जीरो। फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन नंबर वन पे कितना आ गया? जीरो आ गया। अब देखेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर टू, ऑक्सीजन नंबर दो पे देखेंगे, ये एक पे था, यहां पे देखिए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? सिक्स हैं। इसमें से क्या घटाएंगे? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो हैं। इसमें से क्या घटाएंगे? हाफ नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यानी कि कितने हैं? एक दो तीन चार, ये पांच और ये छह, सिक्स। यहां पे कितना आ गया? फोर। माइनस इसका कितना हो गया? थ्री, यानी कि आ गया प्लस वन। फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन नंबर दो पे कितना आ गया? प्लस वन। अब यहां पे देखेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर ये थ्री पे, थ्री पे देखेंगे टोटल नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में कितने होते हैं? सिक्स ही होते हैं। उसमें से क्या घटाएंगे? टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, सिक्स। फिर क्या घटाएंगे? आधी संख्या किसकी? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की। कितने हैं? एक और दो, हाफ मल्टीप्लाइड बाई टू, कितना हो गया? जीरो। ये कितना आ गया? माइनस वन, यानी कि बराबर माइनस वन। देखिए कितना चार्ज आ गया? यहां पे आया माइनस वन का, यहां पे आया प्लस वन का। ये क्या है? एक्चुअल स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया? एक्चुअल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ ओ थ्री। देखिए यहां पे अगर इलेक्ट्रॉन गिनेंगे बैलेंस सेल के तो कम होंगे। देखिए एक दो तीन चार और पांच, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और जहां पे कमी होती है वहां पे क्या चार्ज आता है? प्लस का। देखिए वन प्लस का चार्ज आ गया। यहां पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, सेवन हो गए ना, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ज्यादा वाले पे कैसा चार्ज जाएगा? माइनस वन का। चलिए एक और एग्जांपल करेंगे SO2 का। इसी के आधार पे एक और एग्जांपल करेंगे, कौन सा? SO2 का, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड का। चलिए पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं सीधा सीधा। ये सल्फर का, सल्फर के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सिक्स इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने ऑक्सीजन में होंगे, ऑक्सीजन की फैमिली में ही, ऑक्सीजन के ग्रुप में ही होता है सल्फर, उसके भी बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? छह इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि देखिए एक दो तीन और चार, चार तो बॉन्ड बनाया है, क्या बन गया? एक लोन पेयर बच गया। एक दो तीन चार पांच और छह, एक दो तीन चार, ये छह, एक दो तीन चार। अब सल्फर पे निकालेंगे फॉर्मल चार्ज, क्या होता है फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर? सल्फर के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सिक्स। उसमें से क्या माइनस करेंगे? नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक और ये दो। फिर उसमें से क्या माइनस होगा? आधी संख्या के बराबर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन गुणे, देखिए कितने हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात और ये आठ, कितना आ गया? फोर माइनस फोर बराबर जीरो। एक्चुअल चार्ज कितना आ गया सल्फर पे? कितना आ गया? जीरो आ गया। यहां पे कितना चार्ज आ गया? जीरो, कोई चार्ज नहीं होगा, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज नहीं है।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये था आज का वीडियो फॉर्मल चार्ज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल EMR केमिस्ट्री को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि देखने वाले के पास पहुंच सके वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।